बड़े मंदिर स्थित मोतीचूर घाट पर मूर्ति खंडित किए जाने के विरोध में हिंदू संगठनों व मोतीचूर समिति ने थाने में सौंपा ज्ञापन की कार्रवाई की मांग। दरअसल बीना थाना क्षेत्र अंतर्गत मोतीचूर नदी स्थित बड़ा मंदिर घाट पर असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्ति खंडित किए जाने के विरोध में हिंदू संगठनों व मोतीचूर समिति के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने थाने में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व में भी धार्मिक स्थलों को असामाजिक तत्वों के द्वारा निशाना बनाया गया है। असामाजिक तत्वों के द्वारा देहरी स्थित गोण बाबा मंदिर, नरसिंह मंदिर में मूर्ति चोरी, साहू समाज के मंदिर के पास शंकर भगवान की मूर्ति को खंडित किया गया था और आज फिर मोतीचूर नदी पर हुई इस घटना से हिंदू समाज में आक्रोश है। संगठन के लोगों ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मोतीचूर नदी बड़ा मंदिर पर सुबह सुबह जब जानकारी लगी है कि शंकर भोलेनाथ और नादिया जी उनकी मूर्ति खंडित कर दी गई है असामाजिक तत्वों के द्वारा, उसमें हम सभी संगठन के आदमी, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे मोतीचूर नदी के हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, सभी सब लोग हम लोग एकत्रित होकर पहुँचे हैं और हम सभी हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। अगर इस पे आग पे पहले भी जो कार्रवाई होती रही है असामाजिक तत्वों की तरफ जो मूर्तियों को खंडित किया गया है, इसमें अगर जो प्रशासन अगर नहीं संभला तो आने वाले समय में हम लोग भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। अभी तक जो हुआ है हुआ है, अब आगे नहीं होने देंगे, हिंदू भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे और हम लोग अब अगर इनने कायमी और ढंग से इनने वो अपना नहीं किया विवेचना, आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तो हम लोग आगे आने वाले समय में वो ग्रांदोलन। आज माँ मोतीचूर के घाट पर जो शंकर जी की पिंडी है उसके साथ ही नंदी बाबा विराजमान है, काफ़ी प्राचीन वर्षों पुरानी वो प्रतिमा है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। तो आज सुबह जब टीम के सदस्य राकेश माली जी, राकेश सुमन जी और उदयवान भैया लोग जब पहुंचे आज सुबह, चूँकि हमारी समिति के लोग सुबह डेली पानी देने के लिए पेड़ों में जाते हैं शमशान घाट और घाट पर, आज जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नंदी जी की प्रतिमा, एक सींग पूरा टूटा हुआ है, कान पूरा है, असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरों से उनको खंडित किया गया है। आज बड़े मंदिर के पास जो मोतीचूर नदी है वहाँ पर जो घाट है वहाँ पर शिवलिंग और नंदी बाबा की मूर्ति है। नंदी बाबा की मूर्ति थोड़ी खंडित हुई है, किसी असामाजिक तत्व ने कोई हरकत की है तो उस पर FIR दर्ज कर दी है।